देश में भारत पाक के बीच तनातनी का माहौल है, तो पूरा देश एक सुर में भारत के साथ खड़े होकर अपनी देशभक्ति जताते हुए वंदे मातरम का नारा लगा रहा है। लेकिन इसी बीच भोपाल की मध्य विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विवादित बयान दिया है। मसूद ने कहा कि मैं देश के लिए मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन वंदे मातरम का गान नहीं कर सकता। वंदे मातरम गान का देशभक्ति से क्या लेना देना? मसूद ने ये बात मंगलवार को सीहोर के श्यामपुर ऑल इंडिया मेव महासभा में कही थी। मसूद ने कहा, शरीयत के साथ हम समझौता नहीं कर सकते। ये हमारी बुनियादी लड़ाई है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। जो इस्लाम की बारीकी को जानते हैं, उनके बीच में वंदे मातरम का नारा लगवाया गया, यह बुरा हुआ। इस पर मुझे एतराज है, वंदे मातरम कहने से कोई देशभक्त नहीं होता। हमारी बुनियादी लड़ाई शरीयत और शरीयत के साथ हम कभी समझौता नहीं करते। हम सब लोग अपनी जान की बाजी आज भी देश में लगा रहे हैं, कल भी लगाएंगे और नस्लें भी लगाएंगे, लेकिन बुनियादी लड़ाई का वंदे मातरम जिंदाबाद नहीं करेंगे। और उन्होंने मैग्राम की बारीकी को जानते हैं, उनके बीच में लगवाया गया, मुझे थोड़ा बुरा हुआ एतराज था, क्योंकि वंदे मातरम के नारे से अगर देश को बता रहा है कि हम वफादार हैं, तो मैं समझता हूँ बेईमानी। आपने अभी मेव समाज की किताब यहाँ रखी है, पढ़ना तो पढ़ लीजिए किताब। कई योद्धाओं का मेव समाज की आपने जिक्र करा, अरे मेव समाज का तो जिक्र है। इस मुल्क की तारीख को पढ़ो जो तुम्हारी गवा दी गई है, और गलती हमारी और तुम्हारी है जिसकी वजह से आज ये हालात बने। इस मुल्क को आजाद कराने के लिए दारुल उलूम देवबंद कायम हुआ, ये याद रखो। वहीं कमलनाथ सरकार में मंत्री आरिफ अकील ने भी देश के साथ खड़े होने के बजाय अलग ही राग आलापा है। अकील ने कहा कि वो भारत की ओर से पाकिस्तान पर किए गए हमले से सहमत नहीं है। इंडियन एयरफोर्स की ओर से आतंकी ठिकानों को मिटाने के लिए पाक अधिकृत कश्मीर में किए हमले पर मंत्री आरिफ अकील ने कहा कि मैं इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं हूं। उन्होंने साफ कहा कि मैं मुतमईन तब होऊंगा जब पाकिस्तान और हमारे मुल्क का बंटवारा जिन लोगों ने कराया उसे खत्म करके दोनों मुल्कों को एक किया जाए। सर, जिस तरह से लगातार पाकिस्तान आजादी के बाद से भारत के अंदर आतंकी खेती फैलाता रहा है और उसका जो अटैक जवाब दिया गया है भारत सरकार के द्वारा, सर कितने मुतमईन इस बात से और क्या लगता है आपको कि और आतंकी लड़ाई होनी चाहिए? मैं इससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं मुतमईन जब होऊंगा जब पाकिस्तान पे जो हमारा मुल्क बंटवारा किया, जिन लोगों ने बंटवारा किया उसको खत्म करके दोनों मुल्कों को एक कर देंगे, मैं बहुत खुश हूँ, मिठाई खिलाऊंगा सर यहाँ पर। वहीं मसूद के बयान पर कांग्रेस पार्टी ने किनारा कर लिया है। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी अपनी राय देने के लिए सामने नहीं आया है और इसे उनकी निजी राय बता रहे हैं। तो बीजेपी ने कांग्रेस से जवाब मांगा है। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस विधायक का ये बयान घोर आपत्तिजनक है, इसलिए कांग्रेस को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए, अन्यथा उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मुझे लगता है कुछ लोगों को अकल का अजीर्ण है और राजनीति में प्रचार पाने के लिए इस तरह की बदतमीजियां करते हैं। देश के नागरिक भलीभांति जानते हैं वंदे मातरम का महत्व क्या है, ये भी लोग जानते हैं। वो राजनीतिक दल समझे जिसे वंदे मातरम से एतराज है, उस दल के नेता समझें जिसको उन्हें जनप्रतिनिधि बनाया है और वो विधायक बने, उन्हें वंदे मातरम से उनके पेट में क्यों दर्द होता है। हालांकि खुद तो कह रहे हैं कि मैं वंदे मातरम नहीं कहूंगा और कौम को मना कर रहे हैं। आखिर कह तो रहे ना, जवान बोल तो रही ना वंदे मातरम, चीख चीख कर मना भी कर रहे हैं तो भी कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। मैं यही तो कह रहा हूं कि वंदे मातरम बोलो, बोल भी रहे पर दूसरों को कौम को जो है बताने की कोशिश कर रहे हो कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते। तुम्हारे वंदे मातरम बोलने से नहीं बोलने से हिंदुस्तान की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलोगे तो इज्जत पाओगे, नहीं बोलोगे तो समाज में समझदार लोग, अस्पाक को मानने वाले लोग, अब्दुल हमीद को पूजने वाले लोग ये आपसे सवाल पूछेंगे कि मादर वतन की वंदना करने में तुम्हें आपत्ति क्यों है। कमलनाथ सरकार में वंदे मातरम को लेकर विवाद कोई नया नहीं है। कमलनाथ के सीएम बनते ही विधानसभा में वंदे मातरम पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद बीजेपी ने उसे मुद्दा बनाया तो कमलनाथ सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा था। वहीं लोकसभा चुनाव से पहले मसूद का बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस मसूद के विवादित बयान पर क्या सफाई देती है। भोपाल से रविश पाल सिंह की रिपोर्ट।